जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके हैशटैग जियो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड लेक्चर्स। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया बच्चों, उस फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट करा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसके डेफिनेशंस उसके बारे में समझा था, केमिकल रिएक्शंस का कंपोनेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में समझा था, रिएक्टेंट के कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में समझा था। बहुत अच्छे से वहां पर समझा था कि किस तरह से जो है केमिकल चेंजेस होते हैं और किस तरह से फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे उस केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल के बारे में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल हमारे पास दे रखे हैं बच्चों, कुछ चेंजेस यहां पर हो रहे हैं, तो यहां पर हमें यह बताना है कि इनमें कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है और या फिर फिजिकल चेंज है। तो इनका जवाब देने के लिए हमें प्रीवियस लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है बच्चों, तो उस लेक्चर को जरूर देखना, बहुत अच्छे से देखना, तभी जाके हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, इनके एग्जांपल को देख लेते हैं कि क्या था यहां पर, क्या था फिजिकल चेंज, क्या था केमिकल चेंज, है ना। तो एक एक करके इन एग्जांपल को समझ लेते हैं कि क्या यहां पर फिजिकल चेंज हो रहा है, क्या यहां पर केमिकल चेंज हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला यहां पर है बच्चों, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर दूध को हमने छोड़ दिया, यानी कि गर्मियों में अगर हमने दूध को सिंपली छोड़ दिया तो क्या होगा, यानी कि वो मिल्क है बच्चा रखा हुआ, उसको हमने अगर गर्मियों में छोड़ दिया तो मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में, यानी कि दही में, यानी कि दूध से क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। और वो दूध से दही कौन बनाता है, वो दूध से दही बनाता है एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि दूध में जो है, यानी दूध को दही में बदल रहा है, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो वो बैक्टीरिया बच्चों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसको मैंने स्टार लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की नजर जैसे ही दूध पे पड़ी तो उसने दूध का क्या कर दिया, दही बना दिया, ठीक। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दही में जो है कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा जीवाणु होता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, ठीक। अब ये दही जो है, ये कर्ड जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वहां पर पाया जा रहा है, तो वहां पर वो लैक्टिक एसिड बना देगा, यानी कि उस दही में जो खट्टापन जो आता है वो एसिड की वजह से आता है। कभी भी अगर हम बोल रहे हैं कि वो खट्टापन, यानी कि वो टेस्ट में खट्टी हो रही है, खट्टापन जो आ रहा है वो किसकी वजह से आता है, एसिड की वजह से। तो वो कौन सा एसिड पाया जाता है दही में, बैक्टीरिया तो हमने देख लिया, अब ऐसे ही जो है यहां पर पूछा जाता है कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चों, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है दही में। अब वो लैक्टिक एसिड में कैसे बदल रहा है, यानी कि दूध जो है, मिल्क जो है लैक्टिक एसिड में कैसे बदल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता या होना चाहिए, या फिर हमें अगर पता होगा कि जो ये दूध है इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों, कैजिन प्रोटीन। क्या है, कैजिन प्रोटीन। वो कैजिन प्रोटीन जो है डायरेक्टली जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और किसकी सहायता से, एक एंजाइम की सहायता से, और वो एंजाइम हमारे पास होता है कौन सा, रेनिन एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो यहां पर बोला जाता है कि जो है अगर हम बात करें कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है कैजिन प्रोटीन, तो उसको कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, दैट इज रेनिन एंजाइम, ठीक है। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहां पर भी इसमें इसको स्टार लगा देता हूं। तो रेनिन एंजाइम है जो दूध में पाए जाने वाले कैजिन प्रोटीन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो एक क्वेश्चन तो यहां पर आ गया बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक। यहां पर भी स्टार पॉइंट, और ये भी हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आता है कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से वो खट्टा होता है। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहां पर लैक्टिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिएगा, ध्यान हमने ध्यान से सुन लीजिएगा, हमने क्या बताना है कि ये चेंज क्या फिजिकल चेंज है या फिर ये केमिकल चेंज है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या यहां पर हमारे पास जो है कैजिन प्रोटीन चेंज हो रहा है लैक्टिक एसिड में, यानी कि दूध जो है बदल रहा है दही में,
तो दूध जब दही में चेंज हो रहा है, यानी कि दूध से दही बन रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, और नए सब्सटेंस की फॉर्मेशंस कहां पर होती है, केवल और केवल केमिकल चेंजेस में। बताया था ना कि केमिकल चेंजेस में एक न्यू सब्सटेंस बनता है, और दूसरी बात यह भी बताया था कि वो प्रोसेस जो है रिवर्सिबल भी नहीं होती है, और तीसरा हमने ये भी बोला था कि यहां पर कंपोजिशन चेंज हो जाता है। कंपोजिशन का मतलब कि पहले कैजिन प्रोटीन था, अब वो लैक्टिक एसिड बन गया, यानी कि कंपोजिशन यहां पर भी चेंज हो गई। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमें कहां पर देखने को मिलती है, एक केमिकल चेंजेस में देखने को मिलती है, एक रासायनिक परिवर्तन में ये चेंज देखने को मिलता है। तो इसी वजह से हम बोलेंगे ये कौन सा चेंजेस होगा बच्चों, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये केमिकल चेंज है। इज इट क्लियर, आया समझ में कि ये क्या है, केमिकल चेंज। तो उसने बोला कि ये हमारी समझ में आ गया भाई कि जो है यहां पर ये केमिकल चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में जो है दो बातें लिख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, जो कि डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती हैं कि मिल्क अगर जो है कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है ना। तो अगर हम बोले कि मिल्क को लेफ्ट कर दे अगर रूम टेम्परेचर तो वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, ठीक। तो हम बोलेंगे मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बच्चों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा है, लैक्टोबैसिलाई बोलते हैं या फिर बैसिलस बोल सकते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इज इट क्लियर। दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि जो मिल्क प्रोटीन है कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में बाय रेनिन एंजाइम, ठीक है। मिल्क प्रोटीन इस मिल्क प्रोटीन के ब्रैकेट में इसका नाम भी लिख देते हैं, कौन सी प्रोटीन है, कैजीन। मिल्क प्रोटीन चेंज इन किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड किसके द्वारा, बाय रेनिन एंजाइम। क्या है बच्चों, रेनिन एंजाइम। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास कौन सा चेंज हो रहा होगा, दैट इज केमिकल चेंज, कि यहां पर क्या हो रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर इन दोनों बातों से देख के हमें लग रहा है कि यहां पर सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज हो रही है। हम बोलेंगे कि यहां पर जो है इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रही है। इन दिस प्रोसेस कंपोजिशंस ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज दैट्स वाई इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इज इट क्लियर, केमिकल चेंज। इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं बच्चों, केमिकल चेंज कह रहे हैं। क्या बोल रहा है कि ये दो फिनोमेना देखने को मिल रहा है जिसमें हमारे पास यह निर्णय निकल रहा है कि यहां पर कंपोजिशन चेंज हो रहा है, सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो रहा है। जब सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो रहा है इसका मतलब दैट इज केमिकल चेंज। आया समझ में, तो ये हमारे पास पहली बात हो गई। अब हम दूसरी बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारे यहां पर आयरन पैन यानी कि लोहे का कोई पैन है, कोई बर्तन है, या फिर आयरन नेल यानी लोहे की कोई सुई वगैरह यानी कील वगैरह है, इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि हमने उस लोहे की चीज को कहां पर रख दिया, एटमॉस्फेयर में रख दिया, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पर क्या है ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब थोड़ा नमी है, वहां पर थोड़ा आर्द्रता है, नमी है वहां पर हमने क्या रख दिया, आयरन पैन रख दिया, फिर आयरन नेल यानी भी कुछ भी लोहे की चीज रख दी, तो क्या होगा, तो सुन लीजिएगा, अगर हम उस आयरन पैन को किसमें रखेंगे आयरन पैन, यहां पर हमारे पास आयरन का क्या होता है, सिंबलाइज करते हैं Fe से, ठीक है। अगर उसको हमने कहां पर रख दिया, एयर में रख दिया, यानी कि O2 यानी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होगा, है ना, वाटर की ड्रॉपलेट भी होंगी, उसी में हम बोलेंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो ये है हमारे पास ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, क्या है बच्चों, ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कैसे बना, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर एयर भी है, ये है हमारे पास एयर,
O2 और यहां पर है वाटर ड्रॉपलेट, दैट इज वाटर। तो वाटर और एयर का मिलकर यहां पर क्या बन गया, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बन गया। अब जैसे ही यहां पर हमने आयरन नेल रखा, एक्सपोज्ड करा यानी कि बाहर रखा, तो उस पे क्या होगा, वो आयरन नेल जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहां से यहां पर इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी और इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3.xH2O, और जिसको हम बोलेंगे कि यहां पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। क्या हो गया बच्चों, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया यानी कि डिग्रेडेशन हो गया यानी कि खराब हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या बनता है, यहां पर ये रस्ट होता है आयरन का, इस वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। यहां पर क्या हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, यानी कि पुराने से एक नया बन रहा है, एक नया कंपोजिशन यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी हम बोलेंगे दैट इज अ केमिकल चेंज। तो हम बोलेंगे अ न्यू कंपोजिशन आर फॉर्म्ड, या फिर जो है यहां पर कंपोजिशन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो हम यहां पर सिंपल इस तरह से लिख देते हैं, कंपोजिशन इज चेंज, कंपोजिशन इज चेंज। यहां पर कंपोजिशन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है बच्चों, ये यहां पर भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास बच्चों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाटर का इवेपोरेशन होना, टेम्परेचर बढ़ा दो तो वाटर क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो उस भाप में भी देखना बच्चों, वाटर में क्या है, अगर हम तीसरे की बात करते हैं, ये तो हमारे पास दूसरा हो गया, अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास क्या है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर वाटर है कहां पर, रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। अगर हमने यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया और ये जो है H2O जो है कब बन जाएगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि ये भाप बन जाएगा, किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये धीरे धीरे भाप बन जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो है लिक्विड स्टेट से जो है वेपर स्टेट यानी कि गैस फॉर्म में जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये गैस स्टेट है। तो यहां पर स्टेट चेंज हो रही है यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट, और चेंज इन स्टेट जहां पर होता है उसको हम कहते हैं बेटो, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। आया समझ में बच्चा, तो यानी कि जहां पर चेंज इन स्टेट हो रहा है यहां पर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर भी H2O और यहां पर भी H2O है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर केवल और केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं फिजिकल चेंज, और ये रिवर्सिबल भी है। फिजिकल चेंज में हमने क्या बोला था कि भाई वहां पर फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, दूसरी बात वो रिवर्सिबल होगा, और तीसरी बात वहां पर हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। तो ये सारा का सारा हमारे पास फिजिकल चेंजेस में आ जाता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देख लें, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर्थ, हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर जो है प्लांट, ग्रीन प्लांट्स अपने खाना को खुद बनाते हैं, अपने फूड को खुद बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, यानी कि, है ना। तो वो सारा का सारा मैंने जो लाइफ प्रोसेस में समझा रखा है बहुत अच्छे से बच्चों, वहां पर उस लाइफ प्रोसेस वाले को भी समझ लेना है, ठीक है। यानी कि लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, वहां पर बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस को समझा रखा है, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, उस लेक्चर को भी देख लेना, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यहां पर फोटोसिंथेसिस कंपोनेंट हमारे पास होते हैं CO2+H2O वाटर, है ना, और यहां पर साथ साथ वहां पर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के साथ साथ यहां पर HNO यानी कि सनलाइट होता है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके हमारे पास एक फूड बनता है C6H12O6, और साथ साथ एनर्जी यहां पर मिलती है, और साथ साथ ऑक्सीजन गैस यहां से निकलती है। तो यहां पर भी देखिएगा, पहले हमारे पास केवल और केवल CO2 और H2O है, और उसके बाद हमारे पास कंपोजिशन चेंज होके एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रही है। जब यहां पर कंपोजिशन चेंज हो रही है तो दैट इज केमिकल चेंज, हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन चेंज। यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है, कंपोजिशन में चेंज आ रहा है बच्चा, कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो इस वजह से ये चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज। इज इट क्लियर, आया समझ में। हाँ, अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
अंगूर पक गए हैं, फूड कोक डे, इस तरह से इनके बारे में बात करेंगे। पहले इतना छाप लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फर्मेंटेशंस ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स फर्मेंटेशंस क्या हो रहा है, अंगूर फर्मेंटेड हो रहे हैं, यानी कि ग्रेप्स फर्मेंटेशंस की बात करें तो जो ग्रेप्स हैं उनका हम क्या बात कर रहे हैं, वो फर्मेंटेशंस हो रहा है, फर्मेंटेशंस होता है उनका, क्या हो रहा है, फर्मेंटेशंस। तो एक बात ध्यान रखिए बच्चों, फर्मेंटेशंस का प्रोडक्ट हमेशा क्या निकल के आता है, जब भी फर्मेंटेशंस की बात करते हैं, हमने लाइव प्रोसेस वाले टॉपिक में भी अच्छे से पढ़ा है कि जब भी फर्मेंटेशंस की बात करें तो निकल के आएगा इथेनॉल एंड CO2, क्या निकल के आएगा, इथेनॉल एंड CO2 प्रोडक्ट मिलेगा हमें, यानी कि इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहां पर हम बात करते हैं ये ग्रेप्स में क्या प्रेजेंट होता है, इस ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है बच्चों टार्ट्रिक एसिड, क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड यहां पर प्रेजेंट होता है, यानी कि टार्ट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो अंगूर थोड़ा खट्टे होते हैं। खट्टापन किसकी वजह से आता है, एसिड की वजह से, इस बात को ध्यान रखना, अम्ल की वजह से ही क्या आता है, खट्टापन आता है। तो टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में प्रेजेंट है, वो टार्ट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इथेनॉल में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, इथेनॉल में, यानी कि इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, यहां पर हमारे पास होता है इथेनॉल एंड CO2, तो इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो टार्ट्रिक एसिड जो है इसमें बदल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें भी क्या हो रहा है, कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, जहां पर कंपोजिशन में चेंज हो रहा है उसी चेंज को कहते हैं बच्चों केमिकल चेंज, इज इट क्लियर। तो यहां पर हो गया हमारे पास केमिकल चेंज, इसको भी हम बोल देंगे कि यहां पर भी क्या है, ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड कुक्ड, अगर नेक्स्ट की बात करें फूड कुक्ड, तो फूड कुक्ड का मतलब है कि खाना बन रहा है, तो खाना बन रहा है तो हमने क्या बोला था कि केमिकल चेंज वो भी होता है जहां पर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती। तो खाना तो पक गया, अब ऐसा तो है नहीं कि उस खाना पका हुआ खाना कच्चा कर दो, है ना, तो ऐसा नहीं है, है ना, ये नहीं पता चल रहा है जो है खिचड़ी बना रहे हैं, थोड़ा सा उसमें जो है चावल डाल दिए, दाल डाल दिए और सारी चीजें डाल दी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें खिचड़ी में पड़ती है, खिचड़ी पक गई। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक एक करके सारी चीजें वहां पर फिर से वो चावल ऑप्टेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज है कि केमिकल चेंजेस में प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती है, तो यहां पर भी ऐसा ही है कि भाई खाना अगर पक गया तो दोबारा उसको वापस उस कंपोनेंट में नहीं बदला जा सकता, इसीलिए हम बोलेंगे यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल फेनोमेना देखने को मिल रहा है, इस वजह से ये क्या है हमारे पास, इस वजह से यहां पर ये क्या है, केमिकल चेंज। तो यहां पर हमें क्या बोलने को देखने को मिल रहा है, इरिवर्सिबल फेनोमेना, हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल फेनोमेना यहां पर देखने को मिल रहा है, और इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, दैट इज केमिकल चेंज। आया बच्चा समझ में, ये क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजेशन, तो डाइजेशन में भी क्या होता है, डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में फूड डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, फैट डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, सारा का सारा हमने लाइव प्रोसेस में अच्छे से पढ़ रखा है, उन वीडियो को एक बार जरूर देखना डाइजेशन वाली वहां पर। तो डाइजेशन में क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है अलग अलग एंजाइम की सहायता से। तो इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि जब वहां पर डाइजेशन हो रहा है अलग अलग एंजाइम की सहायता से, तो फिर वहां पर प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल रहा था, फैट जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल रहा था, और कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर में वहां पर कन्वर्ट हो रहा था, वहां पर चेंज हो रहा था, इसका मतलब यहां पर भी कंपोजिशन चेंज हो रही है। और जब कंपोजिशन चेंज होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं केमिकल चेंज। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, कंपोजिशन में चेंज देखने को मिल रहा है, तो हम बोलेंगे यहां पर कंपोजिशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। इज इट क्लियर, आया समझ में। एंड लास्ट हमारे पास दे रखा है उसने एग्जांपल, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब भी मैंने लाइव प्रोसेस वाले वीडियो में बता रखा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, सिंपल समझ लो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन ईच सेल, हर एक सेल में जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी बनती है, तो उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं बेटा हमारे पास, रेस्पिरेशन। तो उसमें भी क्या होता है, कंपोजिशन चेंज होती है, और जहां पर कंपोजिशन चेंज होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। आया समझ में, तो हम यहां पर बोलेंगे कि यहां पर भी क्या होता है, कंपोजिशन चेंज होती है, कंपोजिशन चेंज होती है, इस वजह से ये क्या है हमारे पास, केमिकल चेंज है, ठीक है।
अब किस तरह से कंपोजिशन चेंज होती है रेस्पिरेशन में डाइजेशन में, तो इसको देखने के लिए जरूर देखना लाइव प्रोसेस वाली वीडियो। ओके बेटा, तो इतना समझ में आया, आ गया समझ में, छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ एक्टिविटी के बारे में एनसीईआरटी ने हमसे बात कर रखी है। जैसे सबसे पहले एक्टिविटी दे रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिबन जब भी जलता है बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जलाते किसकी प्रेजेंस में होता है, हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसे क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा मैग्नीशियम रिबन का, बर्निंग होगा, वो जलेगा वो, और तब जाके वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये एक व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है बच्चों, ठीक है ना, क्या होता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भाई जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जो है एक्सपोज करते हैं एयर में, यानी कि जलाते हैं, यानी कि बर्न करते हैं, यहां पर बर्न लिख लेते हैं, यानी कि बर्न करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास एक व्हाइट पाउडर बनता है और उस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम भी लिख लेते हैं, हम एक स्केच ले लेते हैं, स्केच पेन उठा लेते हैं और देख लेते हैं इनका नाम। यहां पर है ये मैग्नीशियम रिबन, ये ऑक्सीजन, इतना तो पता ही होगा, और ये हमारे पास बन गया बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरह से बन गया, जो कि हमारे पास क्या होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रहा है, यानी कि यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। एक नया सब्सटेंस जब बनता है हम बोलेंगे न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो न्यू सब्सटेंस जब बन रहा है बच्चों, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, दैट इज केमिकल चेंज। तो यहां पर यह भी क्या है बच्चों, केमिकल चेंज है। आया समझ में। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आता है कि कभी भी क्या होता है, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, यानी कि मैग्नीशियम रिबन, यानी कि पतला सा रिबन, जब भी हम उसको जलाते हैं, तो उससे पहले उसे सैंड पेपर से, यानी कि क्या कर देते हैं, साफ करते हैं। यानी कि ये मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन अगर हम इसको जला रहे हैं, तो इससे पहले इसको क्या करेंगे, अच्छे से साफ कर देंगे सैंड पेपर से। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब नॉर्मल मैग्नीशियम को हम रखते हैं, इस तरह से नॉर्मली रखते हैं, तो उसके बाहर जो है ऑक्साइड लेयर बन जाती है, और जब उसके बाहर ऑक्साइड लेयर बन जाती है तब वो मैग्नीशियम फ्लेमेबल नहीं होता, यानी कि तब वो नहीं जलता, और जब वो जलेगा नहीं तो इस तरह से व्हाइट पाउडर नहीं बनेगा, ठीक। तो इसलिए उस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसे सैंड पेपर से क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बात ये निकल के आती है, मैंने इस बात को जो है स्टार लगा दिया, दो तीन स्टार लगा दिया, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में। तो हम इस तरह से यहां पर जवाब लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन, हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग, हम बोलेंगे क्लीन, उसको क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, क्लीन बिफोर बर्निंग, बर्निंग बाय किसकी सहायता से, सैंड पेपर, सैंड पेपर की सहायता से उसे जलाने से पहले साफ कर दिया जाता है, ताकि उसकी ऑक्साइड लेयर वहां से हटा सके, टू रिमूव, हम क्या लिख सकेंगे, टू रिमूव ऑक्साइड लेयर ऑन इट, ऑक्साइड लेयर ऑन इट, एंड इट मेक्स फ्लेमेबल इजिली, फ्लेमेबल इजिली, इस वजह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, आसानी से जल जाता है, यानी कि इजिली का मतलब है कि उसकी वजह से हमारे पास वो आसानी से फ्लेमेबल बन जाता है, आसानी से जलने वाला हमारे पास बन जाता है, यानी कि आसानी से जल जाता है। अगर हम उसे सैंड पेपर से साफ नहीं करेंगे तो वो ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर से हटेगी नहीं और वो नहीं जलेगा आसानी से, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए यहां पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आके निकल के आता है, तो यहां पर इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास दूसरी एक्टिविटी दे रखी है कि अगर लिड नाइट्रेट, ये क्या है हमारे पास बच्चा, दैट इज लिड नाइट्रेट, ये हमारे पास क्या बोलेंगे इसको, लिड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, दैट इज लिड नाइट्रेट, उसको हमने ट्रीट कर दिया किसके साथ, आयोडाइड, आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसे जो है क्या कर दिया बच्चा,
ट्रेड कर दिया तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ध्यान देना यहां पर जो है ये जो है लीड क्या होगा पॉजिटिव का है, यानी कि ये टू पॉजिटिव, एनओ के थ्री क्या होता है नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव का है, ये के पॉजिटिव, ये आई नेगेटिव। तो क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ चल जाता है यानी कि आयोडीन की तरफ लीड चल जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पोटेशियम की तरफ चल जाता है यानी कि पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरह से यहां पर आयन का एक्सचेंज होता है, और आयन का एक्सचेंज जब होता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पीबी के साथ क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा पीबी आई टू यानी कि लेड आयोडाइड प्लस यहां पर जो है यहां पर पोटेशियम के साथ क्या आ जाएगा बच्चा एनओ थ्री यानी कि नाइट्रेट निकल के आएगा, यानी कि यहां पर हमारे पास बनेगा KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, और हमेशा हम पहले उसी को लिखते हैं जो पॉजिटिव वाला होता है ना, यानी कि बोल रहे हैं सर आई टू पहले क्यों नहीं लिखा, पीबी को बाद में क्यों नहीं लिखा, यानी कि हमने हमेशा पहले पीबी क्यों लिखा, यानी कि पीबी आई टू क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा आई टू पीबी। तो बेटा इसका आंसर है कि जहां पर हमारे पास जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं या फिर जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है किसको प्रेफरेंस दी जाती है, पॉजिटिव वाले को। जो पॉजिटिव होगा उसको पहले लिखा जाएगा, जो नेगेटिव होगा उसको बाद में लिखा जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से यानी कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो पहले आएगा और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह इसलिए हम जो है यहां पर पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं और देन नेगेटिव वाले को, ठीक। तो इस तरह से भी हमारे पास क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहे हैं, यहां पर क्या बन गया लेड आयोडाइड बन गया, क्या बन गया ये लेड आयोडाइड, और यहां पर क्या बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बन गया बच्चा पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पर भी एक नया सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि पुराना से नया बन रहा है, एक नया सब्सटेंस देखने को बन रहा है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है एक केमिकल चेंज, हम बोलेंगे न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो इसी वजह से हम ये क्या बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यहां पर ये भी क्या है बच्चा केमिकल चेंज है। एसिड क्लियर आया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास अगर एक्टिविटी दे रखी है वो क्या दे रखा है, मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ हम बोलेंगे जब भी कोई मेटल, यहां पर मेटल हमने ले लिया, कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा क्या बनता है मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है, यानी कि हम बात करेंगे मेटल सॉल्ट यहां पर बनेगा बच्चा और हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होगी, और यह हाइड्रोजन गैस साउंड करती है पॉप साउंड, क्या करती है पॉप साउंड, कैसे इस तरह से पॉप साउंड ये हाइड्रोजन गैस करती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, जब भी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो हाइड्रोजन गैस कौन सी साउंड करती है पॉप साउंड करती है। इज इट क्लियर, समझ में आया। इसको हम एसिड बेस वाले चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर हम बात कर लिया कि यहां पर हमारे पास मान लीजिए कोई मेटल है Zn, ठीक है, और कोई एसिड है HCl यहां पर बन रहा है, तो यहां पर Zn किसके साथ जाएगा Cl के साथ, तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस यहां से निकलेगी, और इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस किस तरह से हो गया, दो यहां पर क्लोरीन दो हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ऐसे अगर हम बात करें Zn प्लस H2SO4, दूसरा हमने जो है सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चा ZnSO4 बनेगा प्लस यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है पॉप साउंड करती है। जब भी हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शंस करता है तो मेटल सॉल्ट बनता है, ये मेटल सॉल्ट है, जैसे जिंक क्लोराइड यहां पर बन रहा है, यहां पर जिंक सल्फेट बन रहा है, यानी कि मेटल सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है, आया समझ में। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्टिविटीज भी हो गई है, और हमने ये दूसरा लेक्चर भी इसका कंप्लीट कर दिया है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तीसरे लेक्चर की तरफ, पहले इसको छाप लीजिए अच्छे से, कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना बच्चों, मैं उस डाउट को आपका बहुत ही से बेखूबी से बहुत अच्छे से उसको क्लियर करूंगा। ओके, तो छाप लीजिए।